नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जो सच का साथ देता है वही इंसान कहा जाता है। यहां मुस्लिम महिलाओं ने एक मिसाल पेश की है। ज्ञानव्यापी विवादित ढांचा आज देश के मुख्य मुद्दे में से एक है। हर कोई टकटकी लगाए बाबा की ओर देख रहा है, हर कोई बाबा के इंतजार में है। एक तरफ मुस्लिमों ने जहां शिवलिंग के ऊपर हाथ पैर धोए, वहीं मुस्लिम महिलाओं ने बाबा के मिलने के बाद खुशी जाहिर की है, पूजा अर्चना की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवादित ढांचे के अंदर शिवलिंग एवं हिंदू मंदिर के सबूत मिलने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि अब स्थान को हिंदू भाइयों को खुशी खुशी सौंप देना चाहिए। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदस्य नजमा परवीन ने कहा कि काशी में भगवान शिव का मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, काशी बाबा की है। इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जन जन्मांतर से बाबा काशी की हैं। नजमा कहती हैं कि इस अवसर पर हिंदू महिलाओं के साथ मिलकर मुस्लिम महिलाओं ने ढोल नगाड़े बजाकर शिव तांडव स्त्रोतम का पाठ किया। आप भी सुनिए क्या कहा नजमा ने। आज काशी में भगवान शिव जी का मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और आज उन्होंने प्रकट होकर के ये सबको सबूत दे दिया। उसकी खुशी में हम सारे मुस्लिम और हिंदू बहनों ने मिल करके यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए, शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति की और मिठाइयाँ आपस में बांटी और हम सब बहुत ही खुश हैं क्योंकि हम सबका मानना है कि जो जिसका है उसको मिल जाना चाहिए और शिव की नगरी में शिव जी का प्रकट होना ये अपने आप में साक्ष्य है। ऐसे में मुस्लिम भाइयों से मेरी अपील है कि वो सारे लोग तुरंत ही वो जगह खाली करके हिंदू भाइयों को सौंप दें क्योंकि हर जगह पे अधिकार जमाना और संपत्ति को हड़पना ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इस्लाम में भी कहा गया है कि जब भी नमाज आप अदा करें तो वो बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए। यहाँ इसका मतलब है कि अपनी ज़मीन और अपना आसमान होना चाहिए। किसी के कब्जे की ज़मीन पर आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ऐसे में आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो आज जब साक्ष्य सामने आ चुका है तो मुस्लिम भाइयों को अपना दिल बड़ा करके हिंदू भाइयों को उनकी जगह सौंप देनी चाहिए और गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल हम सभी लोग यहाँ भारत में स्थापित करना चाहते हैं, काशी में बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि एक अच्छा संदेश जाएगा और जो कट्टरपंथी मुसलमानों को भड़का रहे हैं उनके मुंह पे भी करारा तमाचा लगेगा कि वो जानेंगे कि यहाँ की जनता अब जागरूक हो चुकी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया नहीं जा सकता, सारे लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। विश्वनाथ जी की नगरी में काशी विश्वनाथ जी की नगरी में शिवलिंग का प्रकट होना ही अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य है। ऐसे में सारे लोग बहुत ही खुश हैं, यहाँ की जनता बहुत खुश है, हम सारे लोग भी बहुत खुश हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पे ठेस ना पहुँचे और उनको उनका अधिकार मिल जाना चाहिए। पहले राम मंदिर पर नाकाम कोशिश की, अब ज्ञानव्यापी पर भी निराशा ही हाथ लगेगी। नजमा परवीन ने कहा कि जो कट्टरपंथी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं उन्हें भी कठोर संदेश देने की जरूरत है। उन्हें ये बता देने की जरूरत है कि लोग अब जागरूक हो गए हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब किसी को भड़काया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां शिवलिंग मिला है वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए। उधर सीता साहू ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि माता श्रृंगार गौरी में साल में सिर्फ एक दिन ही हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिलता है तो उनका मन दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि जहां पूजा होती थी वहां माता श्रृंगार गौरी के मंदिर की चौखट थी, वो मंदिर नहीं था। उन्होंने कहा कि पढ़ा और सुना था कि ज्ञानव्यापी परिसर में देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं। इसके अलावा नंदी बाबा को भी मस्जिद की ओर ही मुंह करके विराजमान देखते थे तो अजीब लगता था। कोर्ट का फैसला भी जल्द ही सबके सामने होगा, लेकिन मुस्लिम समाज को ये बात समझनी होगी कि हड़पने से काम नहीं चलेगा, अपना खुद का कुछ बनाओ तो जाने, जो हड़पा है वो वापस करना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाओं को तो ये बात समझ आ गई, अब बाकियों की भी उनके साथ हो लेना चाहिए। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।